हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल फर्स्ट स्टैंडर्ड हेल्थ की यूनिट 2 के कुछ और आगे के एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं वो सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट स्टैंडर्ड हेल्थ के नाम से, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो टॉपिक शुरू किया था स्किन एंड बर्न से रिलेटेड, उसी पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में भी, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। अ पर्सन गेट्स बर्न बाय, एक पर्सन जल सकता है किस वजह से, इलेक्ट्रिक करंट से, हॉट टी, बर्निंग बिटुमेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। एक पर्सन इन सभी चीजों के द्वारा जल सकता है या फिर उसको बर्निंग हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है, हॉट टी यानी गर्म चाय। एक बर्निंग बिटुमेन होता है, बिटुमेन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो रोड्स वगैरह में भी यूज होता है, बहुत गर्म होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड एक टाइप का ही होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो इन सभी चीजों से एक पर्सन बर्न हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर बर्न्स। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा अगर किसी इंसान को बर्निंग हुई है या फिर कोई इंसान जल गया है, ठीक है। कंफर्ट द पेशेंट, पोर वाटर ऑन द वाउंड, अप्लाई कोकोनट ऑयल ऑन द बर्न एरिया या फिर टाई द क्लॉथ टाइटली। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोर वाटर ऑन द वाउंड। तो सबसे पहला जो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो जल गया, ठीक है, वो यही है कि हम उसके जो घाव है उस पर पानी डालें, ठीक है, वो पानी ठंडा होना चाहिए तो ठंडा पानी हम उसके घाव पर डालें। उसके बाद हम बाकी सारी चीजें करेंगे, उसको कंफर्ट देंगे, ठीक है, उसके जो भी उसके वाउंड होंगे सूखने के बाद, थोड़ा सही होने के बाद उसके कोकोनट ऑयल हम लगा सकते हैं, तो वो सब बात की चीजें। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा उसके वाउंड पर पानी डालना है, फिर वाटर को पोर करना, ठीक है। What should not be done in case of burn? अगर किसी भी व्यक्ति को कोई बर्निंग वगैरह हुई है, कोई व्यक्ति अगर जल गया है, तो उस केस में क्या चीज नहीं करनी है? वॉशिंग विद वॉटर, ब्लिस्टरिंग, अप्लाइंग एंटीसेप्टिक या फिर कवरिंग विद अ थिन बैंडेज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग यानी कि जो छाले जलने के बाद हो जाते हैं उसके साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको फोड़ना नहीं है, उसको कुछ भी हमें छूना नहीं है, ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं करनी, राइट। आगे है, व्हाट इज अ पर्सन मोस्ट फियर ऑफ, जो पर्सन है वो सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है, इलेक्ट्रिक करंट से, स्टीम से, बिटुमेन से या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रिक करंट हो चाहे स्टीम हो चाहे बिटुमेन हो, तीनों ही चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो कोई भी पर्सन इनमें से किसी भी चीज को फेस नहीं करना चाहेगा। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता है, ठीक है, स्टीम जो कि भाप होती है, कहा जाता है कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर गर्म पानी भी किसी पे गिर जाए तो उतना वो नहीं जलेगा जितना स्टीम उसको जला सकती है, ठीक है, क्योंकि ये सुपर हीटेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है गर्म पानी से भी ज्यादा, ठीक है। बिटुमेन के बारे में आपको पता होगा, ये ब्लैक लिक्विड होता है जो कि काफी ज्यादा गर्म होता है और ये रोड बनाने के काम में आता है, ठीक है, तो सिर्फ इसकी भाप से, इसकी एमिशन से किसी भी इंसान को रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये स्किन पर गिरे तो वहां पे भी ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा उस इंसान की स्किन को, ठीक है। तो तीनों ही चीजें अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, तो कोई भी व्यक्ति तीनों ही चीजों को फेस नहीं करना चाहेगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे द मेन कॉज ऑफ इरिटेशन इज, मेन कॉज क्या हो सकता है, मेन कारण क्या हो सकता है इरिटेशन होने का? फ्रिक्शन, स्टीम, ओपनिंग वाटर या फिर हॉट ऑयल। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टीम। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो स्टीम है वो गर्म पानी से भी ज्यादा खतरनाक होती है, तो अगर स्टीम से किसी को बर्निंग हुई है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा रहेगा, स्टीम, ठीक है। आगे, व्हाट विल यू डू व्हेन यू गेट बर्न, आप क्या करोगे अगर आप जल जाते हो तो? विल कवर विद अ ब्लैंकेट, विल लाइट डाउन, यूज वाटर या फिर टेक ऑफ क्लोथ। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, विल कवर विद अ ब्लैंकेट। अब ये ब्लैंकेट वाली चीज हमसे जो कही गई है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ब्लैंकेट का यहाँ पे इस्तेमाल क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अगर ये ब्लैंकेट वाला ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं होता तो हम उस केस में वाटर वाला ही ऑप्शन अपना टिक करते हैं, या फिर पोर वाटर या फिर यूज वाटर जो भी होता है उसको हम टिक करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वहां पे तो हमें पानी का यूज करना है, अगर कोई जल रहा है तो हमें पानी डालना है, ठीक है। लेकिन अब जब ब्लैंकेट यहाँ पे आ गया तो इसका भी यूज हम जान लेते हैं, क्यों हमें ब्लैंकेट से कवर करना है उसको, ठीक है। तो ब्लैंकेट से हम किसी व्यक्ति को इसलिए कवर करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए और वो ऑक्सीजन या फिर जो एयर उसके पास पहुंच रही थी उससे कंबशन और ज्यादा हो सकता था, ठीक है, या फिर वो आग जो भी जल रही है या फिर जो भी उसके बर्निंग हो रही है वो और ज्यादा जल सकता है, ठीक है। तो जब हम ब्लैंकेट से उसको कवर कर देंगे तो एयर या फिर ऑक्सीजन कहें हम, उसकी सप्लाई रुक जाएगी तो कंबशन भी वहां पर रुक जाएगा, ठीक है, वहां पर कंबशन बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैंकेट वाली चीज हमें गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे विल कवर विद अ ब्लैंकेट, उसके बाद दूसरी चीजें आएंगी, उसको लिटाएंगे, उसको पानी डालेंगे या फिर दूसरी चीज हम करेंगे, वो सब बात की चीज है, ठीक है। पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें हमने पानी वाली ऑप्शन अभी टिक करे उसमें ब्लैंकेट वाली चीज गिवन नहीं थी, इसलिए हमने उसमें यूज वाटर या फिर पोर वाटर वाले ऑप्शन टिक किए थे, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एड फॉर अ बर्निंग पर्सन इज, एक बर्निंग पर्सन के लिए फर्स्ट एड क्या हो सकता है, जो इंसान जल रहा है, ठीक है, जो अभी जल रहा है उसके लिए फर्स्ट एड हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं? रैपिंग द ब्लैंकेट, पोरिंग वाटर, पोरिंग सैंड ऑन इट या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने और ऑप्शन भी बस थोड़े से इधर उधर किए, लेकिन हमारा जो आंसर रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, रैपिंग द ब्लैंकेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए अगेन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए जो कि हमारा रैपिंग द ब्लैंकेट। आगे,
व्हाट फर्स्ट एड वुड यू गिव टू अ पर्सन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक या फिर स्टिक। अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या फिर वो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी से स्टिक है तो उस केस में आप क्या करोगे? बाय क्लोजिंग द मेन लाइन ऑफ द हाउस रेस्क्यू द पर्सन विद द हेल्प ऑफ अ वुडन स्टिक, गिव हिम वाटर टू ड्रिंक, विल कैच हिम बाय रनिंग बेयरफुट या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप पढ़ते ही समझ गए होंगे बाय क्लोजिंग द मेन लाइन ऑफ द हाउस, जो उस हाउस की मेन लाइन है या फिर जिस भी जगह पर वो इलेक्ट्रिसिटी शॉक उसको लग रहा है वहां की आप मेन लाइन बंद करोगे, उस पर्सन को रेस्क्यू करोगे और वुडन स्टिक से आप उसकी हेल्प करोगे। ठीक है, क्योंकि वुडन स्टिक का आपको यूज इसलिए करना है अगर कोई मेटल वगैरह की चीज आप यूज करोगे तो वो आपको भी अफेक्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रिक शॉक या फिर वो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वुडन स्टिक का आपको यूज वहां पर करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी अप्लाइड ऑन बर्निंग ऑफ एल्कली। अब इसी क्वेश्चन से आपको तीन चार चीजें मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है जो मैं बताऊं वहां से क्वेश्चन बन जाए, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही ना जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप समझो कि एल्कली होती क्या है। तो एल्कली एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट को बनाता है, यानी कि नमक को बनाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एल्कली की। अब अगर एल्कली से किसी को बर्निंग हुई है तो उस केस में हमें उसको क्या लगाना है? बर्नोल, डिटॉल, अनियन जूस या फिर लेमन जूस। अब देखो ऑप्शंस की मुझे यहाँ पर कुछ कमी लग रही है। यहाँ पर ऑप्शन मैंने देना चाहिए था वाटर का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी वो बर्निंग कम हो सकती है। हो सकता है आपके जो क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में वहां पर आपको वाटर देखने को मिल जाए। ठीक है, एक हमारा विनेगर हो सकता है क्योंकि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ये बात आपको जानने को मिली नहीं कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है और वो एसिड वीक एसिड होता है, तो वो भी एल्कली के बर्निंग में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन हो गया हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एक हो गया विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है। अब वो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है, तो उस केस में हमें इनमें से क्या टिक करना है? अगर सेम क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप उसमें क्या टिक करोगे? जो आप टिक करोगे वो है सी, अनियन जूस। अब अनियन जूस क्यों? क्योंकि अनियन जूस में हमारा होता है सल्फेनिक एसिड। ठीक है, इसको भी हम वीक एसिड मानते हैं पर ये उतना ज्यादा वीक भी नहीं होता, मतलब वीक होता है पर बर्नोल, डिटॉल और लेमन जूस से तो ज्यादा ही ये फायदा कर देगा बर्निंग ऑफ एल्कली में। ठीक है, तो अनियन जूस आप टेक करोगे। अदरवाइज अगर आपको पानी देखने को मिल जाए, वहां पर पानी ऑप्शन में दिया है, या फिर विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है, तो उस ऑप्शन को आप टिक करोगे। ठीक है, अदरवाइज अगर अनियन जूस या फिर लेमन जूस ये सब आपको दिए गए तो आप अनियन जूस वहां पर टिक करोगे। इसमें होता है सल्फेनिक एसिड जो कि वीक एसिड माना जाता है और ये हेल्प कर सकता है बर्निंग ऑफ एल्कली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन गेट्स बर्न्ड, एक पर्सन जो है वो जल सकता है बाय हॉट टी, बाय गैस सिलेंडर, बाय फायर इन द हट या फिर बाय ऑल ऑफ द अबव मेथड्स। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और क्या ऑप्शन है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक पर्सन कैसे जल सकता है? गर्म चाय से भी वो जल सकता है, गैस सिलेंडर से भी वो जल सकता है, अगर घर में आग लग गई तो उससे भी वो जल सकता है। तो डी बाय ऑल ऑफ द अबव मेथड्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन हुआ है सफर्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक शुड कीप, एक पर्सन जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है या फिर लग गया था उसको रखोगे आप कैसे? कोल्ड, हॉट, लाइंग अपसाइड डाउन या फिर स्टैंडिंग अप। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हॉट। उसको आपको थोड़ा गर्म जगह पर रखना है, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ी देर पहले लगाया फिर कुछ समय पहले लगाए उसको आपको एक गर्म जगह पर रखना है। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन पंचेज अवे, जो इलेक्ट्रिक शॉक है किसी पर्सन को अगर लगता है तो वो क्या करता है? पंचेज अवे उसको वो जोर से धक्का देता है। ठीक है, बर्न्स बाय स्टिकिंग, उसको चिपका के रखता है वो करंट और उसको बर्निंग वगैरह भी हो जाती है बॉडी पे। मेक्स द बॉडी नम, बॉडी उसकी नम हो जाती है या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें हो जाती है अगर कोई पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो, या फिर जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा होता है तब। राइट, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी चीजें उस केस में हो रही होती है या फिर होती है। राइट, आगे है। When a person burns very lightly, it is called. अगर किसी पर्सन को हल्की फुल्की बर्निंग हुई है तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट डिग्री बर्न। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में जो स्किन की लेयर होती है वो कितनी होती है? तीन। सबसे पहली कौन सी होती है? ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, उससे नीचे डर्मिस, उससे भी नीचे हमारी तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो जो बर्निंग सबसे ऊपर वाली लेयर पे होती है, एपिडर्मिस पर होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। ठीक है, उससे नीचे जो हमारी लेयर है डर्मिस, अगर उस पर कोई बर्निंग होगी ठीक है तो वो सेकंड डिग्री बर्न, और हाइपोडर्मिस जो कि बहुत मेजर बर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, तो समझ गए, वेरी लाइटली बर्न जो हुए हैं वो हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न होता है जो कि सिर्फ अपर लेयर पे होता है स्किन के। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री बर्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग कैन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ, लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना वो किस चीज की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है? हार्ट की, लिवर की, ब्रेन की या फिर ब्लड की? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, हार्ट। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है। ठीक है, और जब वो लाइट उस पर गिरती है या फिर कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का लगता है तो वो हार्ट पर सीधा अफेक्ट करती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ आइस बर्न आर, आइस बर्न के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्लिस्टर, नंब, पेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अगर आइस बर्निंग भी किसी को हुई है तो उसमें भी उसको ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, नंबनेस देखने को मिलेगी और पेन भी होगा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द बर्न कॉजेज ब्लिस्टर्स देन यू नीड, अगर कोई ऐसा घाव आपके हुआ है जलने से जिसमें ब्लिस्टर्स हो गए हैं, ठीक है, छाले हो गए, तो आपको जरूरत है। ब्लिस्टर्स शुड नॉट बी पियर्स्ड,
ब्लिस्टर शुड बी बर्स्ट अप्लाइंग बटर और पेट्रोलियम जेली या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्लिस्टर शुड नॉट बी पियर्स्ड। तो अगर किसी को बर्निंग हुई है और उसको ब्लिस्टर्स हुए हैं तो उस व्यक्ति को उन ब्लिस्टर्स के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी, उनको फोड़ना नहीं है, उनको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ब्लिस्टर शुड नॉट बी पियर्स। राइट, आगे बढ़ते हैं, वॉट टू डू ऑन केमिकल बर्न। अगर किसी भी पर्सन को कोई केमिकल बर्न हुआ है या फिर आपको केमिकल बर्निंग हुई है, केमिकल की वजह से आप जल गए हो, ठीक है, कुछ भी बर्निंग वगैरह हुई है केमिकल्स की वजह से, तो उस केस में आप क्या करोगे? अप्लाइंग पेट्रोलियम जेली, वॉशिंग ऑफ विद वाटर फॉर 15 मिनट्स टू विन द बर्न पार्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, वॉशिंग ऑफ विद वाटर फॉर 15 मिनट्स। तो जिस भी एरिया पर आपको केमिकल बर्न हुआ है उस एरिया को आपको वॉश करना है पानी से 15 मिनट तक, ठीक है। आगे है, इट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन बर्निंग ड्यू टू सन हीट। ये चीज आपको अप्लाई नहीं करनी है, अगर आपको सन हीट हुआ है कोई या फिर सन हीट की वजह से कोई बर्निंग हुई है तो इस चीज को आप अप्लाई नहीं करोगे। मॉइस्चराइजिंग लोशन, पेट्रोलियम जेली, एलोवेरा जेल या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से आपको कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी है अपने उस बर्निंग एरिया पर जो आपको सन हीट से हुआ है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। राइट, आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन इलेक्ट्रोक्यूटेड। अब अगर इलेक्ट्रोक्यूटेड वाली चीज हुई है तो उसमें आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, पहले आप समझो कि इलेक्ट्रोक्यूटेड है क्या, इसमें क्यूट वर्ड आ रहा है, क्या ये सच में क्यूट है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है किसी पर्सन की बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी का पास हो जाना, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। तो उस केस में आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, प्लेस अ बर्ब ऑन द अफेक्टेड एरिया, कवर द बर्न एरिया विद अ ब्लैंकेट, रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम उस पर्सन को जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वहां से उसको दूर करेंगे, उसके बाद हम बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी से दूर करना है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो रही है, जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे हमें उसको पहले दूर कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टू डू फॉर केमिकल बर्न्स। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि केमिकल बर्न के साथ हमें क्या करना है अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो वेयरिंग ग्लव्स इन हैंड्स, हम उन बर्न्स को अवॉइड करने के लिए ग्लव्स पहन सकते हैं अपने हाथों में, ठीक है। वॉश द एरिया ऑफ इरिटेशन विद वाटर फॉर 15 मिनट्स। हमने अभी यही ऑप्शन पीछे जाना कि हमें 15 मिनट तक उस एरिया को जहां पे भी केमिकल बर्न हुआ है उसको 15 मिनट तक वॉश करना है। अप्लाई ग्रीस फ्री ऑइंटमेंट ऑयल क्रीम ऑन द बर्न एरिया, ठीक है, हम ये सब चीजें भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें हम कर सकते हैं अगर केमिकल बर्न हुआ है तो, ठीक है। आगे द फीवर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इज लाइक अ माउथफुल। जो फीवर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, मलेरिया, न्यूमोनिया, टाइफाइड या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूमोनिया, ठीक है। तो जो फीवर किसी पर्सन को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमोनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच एक्स्ट्रा प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इन द कंडीशन ऑफ टाइट्स। टाइट्स की कंडीशन में एक पर्सन को कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा उसकी बॉडी के लिए, 15%, 25%, 40% या 50%। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 50% रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, ठीक है, टाइट्स वाली कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी देयर इज स्वेलिंग एंड टाइफाइड। कौन सी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसमें स्वेलिंग आ जाती है टाइफाइड के दौरान, लिवर, इंटेस्टाइन, लंग्स या फिर हार्ट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आती है टाइफाइड के दौरान, ठीक है। आगे, व्हाट शुड बी गिवन इन द डाइट टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर। किसी पर्सन को अगर फीवर है तो उसको डाइट में क्या दिया जाता है, परेज यानी कि दलिया, सूप, खिचड़ी, मूंग दाल एंड वाटर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें दी जाती है एक ऐसे पर्सन को जो फीवर से या फिर बुखार से पीड़ित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रॉनिक फीवर इज, क्रॉनिक फीवर को क्या बोला जाता है, न्यूमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये समझो कि क्रॉनिक फीवर होता है क्या, तो क्रॉनिक फीवर ऐसा फीवर होता है जो 10 से 12 दिन लगभग चलता है, ठीक है, 10 12 15 दिन वो चलता है। तो वो कौन सा फीवर है, किसमें वो फीवर आता है, तो वो हमारा रहेगा ऑप्शन सी, मलेरिया। मलेरिया का जो फीवर रहता है वो कम से कम 2 हफ्ते तक रहता है, यानी कि 14 दिन लगभग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। हम यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो न्यूमोनिया का फीवर रहता है वो 7-8 दिन में खत्म अपने आप हो जाता है, ठीक है। और अगर कुछ दवाइयां वगैरह भी हम करें तो और जल्दी हो जाएगा, और थोड़ा सीरियस भी हो तो मुश्किल से 10 दिन वो चलेगा, ठीक है। लेकिन टाइफाइड में भी काफी ज्यादा रहता है, लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा तो वो रहता ही, ठीक है। और मलेरिया में पूरे पूरे 2 हफ्ते वो रहता है, कम से कम 2 हफ्ते, ठीक है, और ज्यादा भी वो हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, क्रॉनिक फीवर का जो एग्जाम्पल है वो मलेरिया यहाँ पर है, राइट। आगे, व्हाट इज मीन बाय फीवर, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो फीवर का मतलब क्या है, बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव द नॉर्मल 98.4 डिग्री, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो द नॉर्मल 98.4 डिग्री, बोथ एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फीवर क्या है तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि 96-97 जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और अगर वो थोड़ा और ऊपर जा रहा है 98-99-100 तो वो हमारी फीवर वाली कंडीशन होती है। तो ऑप्शन ए हमारा वही कह रहा है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा जा रहा है 98.4 डिग्री से, तो वो हमारा हो गया फीवर वाली कंडीशन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज फर्स्ट स्टैंडर्ड हेल्थ की यूनिट 2 के। इसी तरह से आएगा एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिया इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।